This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, Mass Tiles and Sanitation, Hayat Hospitals, RK Constructions and NPS Degree College. हेलो एवरीवन, आप सभी मास मीडिया के व्यूअर्स को और सभी इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंजीनियर ख्वाजा रिजवान, ओनर आरके कंस्ट्रक्शन, आप सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और इस मौके पर मैं अपने कुछ व्यू, अपने कुछ ख्याल आपसे इजहार करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरके कंस्ट्रक्शन जो है 4 साल पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। इन 4 सालों में हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कम्प्लीटेड प्लस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, 100+ प्रोजेक्ट्स हमने कम्प्लीट किया है। हमारा आरके कंस्ट्रक्शन का मोटो ये है, क्वालिटी, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक। हमने मोटो इस वजह से इसको दिया है कि कई सारे लोग जो मिडिल क्लास है, टॉप क्लास है, इसमें कई सारे लोग अपना ख्वाब रखते हैं कि अपना एक आशियान हो, अपना एक घर हो, और कई सारे लोग इस ख्वाब को देखने के बावजूद भी इसको फुलफिल, मतलब पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये ख्वाब को हम पूरा करने के लिए हमने लोगों से क्या है, कम बजट में उनका आशियाना, मतलब उनका जो ख्वाब है, उनका जो घर है, वो कम बजट में उन्हें अच्छा से अच्छा हम कंप्लीट कर देने की इनिशियली स्ट्रगलिंग जो पीरियड है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्ट्रगल करने को हमको बहुत चीज़ हम सीखने को मिला। इंजीनियर्स आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे नौजवान इंजीनियर्स डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो बच्चे जो है सिर्फ जॉब की तरफ रागिब हो रहे हैं, वो कुछ फील्ड की तरफ भी रागिब हो, मतलब खुद से करने की ख्वाहिश रखें, सिर्फ जॉब ही की पर डिपेंड ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इससे हमें बहुत सा कुछ सीखने को मिला है। और फील्ड पे भी जो प्रैक्टिकल और फील्ड एक्सपीरियंस दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब सिर्फ इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है बोल के उसी नॉलेज के थ्रू नहीं चलना है, बल्कि हमको फील्ड पे भी हमको एक्सपीरियंस हासिल करना है। और जितना भी हम चाहे 5 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, 15 ईयर्स हो, हमारा नॉलेज जो है एक्सपीरियंस के थ्रू बढ़ते ही जाता है हमारे फील्ड में। तो इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Representing India in defense technology as well as in research field. Thank you very much. Again, wish you a happy Engineers Day. Thank you. Hello, I am an engineering student and my specialization or branch is EC branch. I have completed my engineering from Guru Nanak Dev Engineering College Bidar, and I'm so proud of to be an engineer. And my speech is recorded, that too on day of an engineer. I mean to say that today is engineering day and I'm giving my speech on the engineering day, and I feel so proud of it. So being an engineer, obstacles had never been obstructing my efforts to succeed in life. As an engineering to be, it is very important to me to be prepared for the hurdles in the real world. The real world nowadays needs a person who could compete and has great abilities to stand on the same level as others. Multiple skills and critical opinion of an issue are essential for an engineer to jump into this challenging career. For me, strategic planning and full preparation needed to achieve the aim of being an expert engineer to accomplish my goals. Also, it is very vital to reflect myself and make an action in the increasing my effectiveness and also reaching my potentials. And also leadership quality to come up with. Thank you. Assalamu alaikum. Good afternoon. Namaste. मैं अलीशान खादरी, बिदर डिस्ट्रिक्ट मीडिया इंचार्ज, यूथ कांग्रेस, और प्रोफेशनली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज के इस इंजीनियरिंग डे मौके पर मैं आप सबको विश यू ऑल हैप्पी इंजीनियर्स डे। और इंजीनियर होने के नाते मैं एक बात आपको
शेयर करना चाहता हूँ कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, स्पेशली सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर एक लिक्विड कंक्रीट की तरह होता है, जो किसी भी मोल्ड में उसको आप डाल दें वो अपना आकार बदल लेगा। लाइक माईसेल्फ, मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर एन इंजीनियर। तो अभी यूथ कांग्रेस के मेंबरशिप स्टार्ट हो रहे हैं, यूथ के लिए मेरा एक मैसेज है कि अभी यूथ कांग्रेस के मेंबरशिप स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी मेंबर्स बनिए। आप अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने भाइयों को बताइए कि जो अबव 18 है और बिलो 35 है, उन सबको मेंबर बनने के लिए बोलिए यूथ कांग्रेस के। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।